Okay, I am back and I hope. Let's take Kaval quickly. Haan ji, hello. Hi, how are you? I'm good. Now you can see me. Yes, much better. Finally. Achha. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. I'm absolutely okay. It's been long. Yes, absolutely. It is, has been. How have you been? How are all your fans? Oh my God, there's so many people. Yeah, alhamdulillah. Yes, बस कुछ नहीं कवल, यू नो सेम ओल्ड थिंग, बच्चों के साथ. फैसल इज नॉट इन टाउन एंड दे कीप मी क्रेजी बिजी, स्पेशली फरमान. छुट्टी भी थी ना, सो दे मस्ट आल्सो बी होम, नो स्कूल. नो नो नो, बिल्कुल नहीं. तो वो बस बच्चों के साथ और फिर कीपिंग देम बिजी इज अ मेजर टास्क. तो बस अच्छा कवल, हमारा ना आज का टॉपिक है, एज यू नो कि हम बच्चों के जो टीनएजर्स के, स्पेशली एज अ टीचर यू नो बच्चे आते हैं एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे मसले या चीजें आती होंगी जिसको डील करते होंगे और सॉल्यूशंस उनके निकालना. पेरेंट्स को मेन चीज ये है कि टीनएजर्स के हमने इश्यूज आज हम आइडेंटिफाई करेंगे. देयर आर फ्यू मेन इश्यूज जो बच्चे कर रहे हैं और सोशल मीडिया ने तो और चीजें ऐड कर दी हैं. पहले कम होता था, पहले तो सिर्फ घर में होता था. जो बॉडी इमेज को लेके तो वैसी बहुत सारी चीजें, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है ना, कि इसको आप जितना डेली भी आप एड्रेस करें तो फिर भी समझ आए लोगों को, वो आई थिंक इनफ नहीं है. तो बॉडी इमेज जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस उसको खत्म करती है. तो अब सोशल मीडिया की वजह से तो और ज्यादा ये इश्यू हम देख रहे हैं. और फिर उस फिर स्कूल में जैसे एज अ टीचर यू नो एकेडमिक प्रेशर बच्चों में बहुत ज्यादा है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से आता है, फ्रेंड्स की तरफ से आता है. पेरेंट्स खास तौर पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए और ये होगा. हाँ, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बच्चों में, डिप्रेशन और इस तरह की चीजें. और फिर वो टाइम एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जिसके अंदर वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं. उनके इमोशंस भी इधर उधर सारी हर जगह होते हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एट दैट पॉइंट उस चीज में कैसे पेरेंट्स का क्या काम है कि वो शुरू से किस तरह से चीज को लेके चले, या अगर कोई मसला निकलता है, फॉर एग्जाम्पल एकेडेमिक प्रेशर है और एकेडेमिक्स में कोई मसला निकला तो कैसे हैंडल किया जाए. एब्सोल्युटली, ओके, ठीक है. तो आई थिंक हम स्टार्ट, चले आपने जो नेक्स्ट लास्ट चीज कही है उससे स्टार्ट कर लेते हैं. सो वी टॉकिंग अबाउट एकेडमिक प्रेशर. और देखिए, मतलब आई जस्ट फील सर, मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि हमने फिर भी बहुत अच्छे टाइम पे चीजें कर ली. लाइक बाय हम आई मीन यू एंड मी, यू नो व्हेन वी वर यंगर. और आई थिंक ये बात हम उस दिन आप और मैं भी कर रहे थे कि जो है वो मतलब यू नो व्हेन यू वर यंगर आई थिंक चॉइसेस थोड़ी कम थी, डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल एक हद तक था, उससे ज्यादा नहीं था. आई मीन जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारी चीजों की वजह से हमारे लिए जिंदगी थोड़ी आसान थी. अब जो है वो सिर्फ ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत है. कॉम्पिटिशन से ज्यादा आई फील सर ना मेजर प्रॉब्लम है कि चॉइसेस बहुत है. You know, because now there's so many, there's so much choice. So, पहले बताए, honestly, I just feel कि हम और आप थोड़े naive भी होते थे because technology नहीं थी ना, social media नहीं था, तो हमें कुछ बहुत सारी चीजों का तो अंदाजा ही नहीं था. मतलब you know, I remember कि जब मैंने when I started studying psychology और जब मैंने अपनी डिग्री भी की थी तो लोग उससे पूछते थे भाई ये क्या चीज है, मतलब you know कि ये होती क्या है psychology. अब मैं कहती हूँ now everybody, even my child who's 8 years old now knows what is psychology and that's thanks to technology. मतलब कोई भी चीज आपको नहीं बताया तो आप टेक्नोलॉजी इज अ सेकंड अवे ना, कि यू ओपन गूगल एंड यू सर्च तो आपको पता चल जाता है. तो आई जस्ट थिंक कि अब जो है वो चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं. ऑफ कोर्स इट्स ऑल द कंपटीशन आल्सो इज अ लॉट मोर. मतलब यू नो पहले जमाने में कंपटीशन थोड़े कम होते थे. अब यू नो चाहे वो एकेडेमिक्स हैं, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन द बेस्ट स्कूल. मतलब मैं कहती हूँ ना, अब डिग्री से ज्यादा मैटर करने लगा है कि आप पढ़ते कहाँ हैं.
लाइक आप कौन से इंस्टीट्यूशन में है, ब्रांड मतलब नो कि कौन से इंस्टीट्यूशन में है जो है वो कहाँ पढ़ते हैं, तो यू नो बच्चे कभी कभी अपनी कॉम्प्रोमाइज और क्या वो करना चाहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन पे नहीं करते. यू नो लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी अच्छी जगह है जिनको हम अच्छी कहते हैं ना ब्रांडेड जगह है वो साइकोलॉजी ऑफर नहीं करती और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हम इस फील्ड बदल लेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ब्रांड जरूरी है. ये किस चीज का प्रेशर, हमारी सोसाइटी का है या एक छोटी सी सर्कल का है उनके अराउंड, या आई थिंक आई सी इट लाइक इट्स ओवरऑल प्रेशर, ये सोसाइटी का प्रेशर है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं सोसाइटी का प्रेशर बिल्कुल है. आई थिंक इट इज ऑल्सो के जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई थिंक पेरेंट्स और हम सब लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मतलब यू नो कि हम मतलब इवन आई वुड से कि जिस तरह मतलब अब लॉट ऑफ चीजें हम कहते हैं ना कि यार थिंग्स आर सम थिंग्स आर प्राइवेट, तो मतलब मैं कहती हूँ जिस तरह से हम कहते थे भाई किसी का वेट मत पूछो, किसी की एज नहीं पूछो, मुझे तो अब लगता है कि ये भी होना चाहिए किसी के ग्रेड्स मत पूछो. मतलब जस्ट सही मतलब हर बच्चे का ग्रेड अपने अपने होते हैं, हर किसी की एकेडमिक पोटेंशियल अलग अलग होती है एंड दे मे परफॉर्म अप टू देयर एकेडमिक प्रोफाइल, लेकिन यू नो आई थिंक ये बस यही वाले फैक्टर से जो है वो पेरेंट्स परेशान होते हैं और फिर उसकी वजह से वो फिर वो वही प्रेशर बच्चे पे डालते हैं कि यू नो कि यू नीड टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर वे, यू नीड टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. सो आई जस्ट फील कि इट इज सोशल प्रेशर, मतलब यू नो इट इज जस्ट दिस प्रेशर दैट वी ऑल पुट ऑन ईच अदर बिकॉज वी जो है वी वॉन्ट टू नो कि बाकी सबकी लाइफ में क्या हो रहा है. Exactly. So I think ये तो सबसे integral reason है why I think बच्चों के ऊपर pressure है और academic pressure बहुत ज्यादा है I think. और I also feel सना मतलब मैं तो क्योंकि I teach in the Cambridge sector, मुझे से लगता है कि you know हम जब पढ़े थे तो मैट्रिक इंटर होता था. बिल्कुल and it was options कवल, आप या तो arts कर लें या science कर लें. बिल्कुल बिल्कुल उसमें ज्यादा चीजें सोचना ही नहीं था, बस ये है आप उसमें से कोई चूज करें, जस्ट गेट डन विद इट. या तो अब सिर्फ यह है कि अब चीजें उस हिसाब से चेंज हो गई हैं और कैम्ब्रिज सिस्टम इटसेल्फ डिफिकल्ट है ऑनेस्टली. मतलब मुझे सिर्फ सीरियसली लगता है कि आज भी अगर आप दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो डूइंग मैट्रिक एंड इंटर इज एक्चुअली इजियर देन डूइंग कैम्ब्रिज. मतलब यू नो तो उसकी वजह से तो जो हम प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर ऑल्सो कम्स फ्रॉम डिफिकल्टी कि इट इज अ डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट ऑन इट्स ओन. मतलब उसकी जो लेवल की पढ़ाई है, जो ग्रेड रिक्वायरमेंट्स हैं टू पास, कितना आपको मतलब उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना, आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो है वो आई थिंक इसलिए प्रेशर बच्चों पे ज्यादा बढ़ भी रहा है. और अब फिर पता है होता क्या है ऐसा ना कि मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस लेवल पे देखे ना तो बहुत जगह है, ठीक है बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं, मतलब स्कूल तक भी कभी कभी अभी पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो करीब में था हमने वहां एडमिशन करा दिया वट एवर वॉज नियर अर. मुझे से लगता है अल्टीमेटली वेन दे ग्रो अप देर ऑल कम्पीटिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी and that becomes a problem because there's so many matlab itne sare bacche hote hain aur wo compete kar rahe hote hain ek limited seats ke liye, to matlab main jab A levels ko padhati hu mujhe lagta hai unke upar jo academic pressure hai aur wo you know it also comes from the fact ki mera university mein admission nahi hua, ab bahut sare bacche bahar jana chahte hain, main bahar nahi gayi to kya hoga, you know to wo insecurity ko leke unki jo ye wali pressure aate hain ye bhi aata hai. bilkul us time pe tumko choose karna hota hai ki humne ye karna hai idhar jana hai. बिल्कुल 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 तो वो जो है ना वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इन टू ऑल ऑफ दिस. फिर बाहर जाना है तो भाई ये ग्रेड रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने ग्रेड चाहिए तो मैं जा सकती हूँ वरना मैं नहीं जा सकती, ये सब चीजें टुगेदर. मतलब कुछ मैं कह रही हूँ ना, कुछ रीजन ऐसे हैं जो सोसाइटी ने डाले हैं, कुछ रीजन एक्चुअली जेन्युइन रीजन है कि जिसकी वजह से यू नो कि बच्चों को एकेडमिक प्रेशर रहता है. हम देखें द ओनली वे, मतलब मैं कहती हूँ ना, मैं आपसे कुछ नहीं कहती कि बात बहुत सारे लोग करते हैं, वी डोंट फाइंड सोल्यूशंस. मुझे से लगता है कि इसका सोल्यूशन जो है ना वो सिंपली ये है कि यू बच्चे को अगेन आप जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बच्चे की पोटेंशियल. बिल्कुल ठीक है, जिस तरह मैथ्स हर किसी का बॉल गेम नहीं होता. देखें कुछ तो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ को जबरदस्ती आप डाल देंगे बेचारों की जिंदगी मुश्किल रहेगी लेकिन वो किसी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो आई जस्ट फील कि आई थिंक स्कूल लेवल पे ना पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बच्चा किस चीज में अच्छा है और किस चीज में नहीं है. तो अगर आप बच्चे को उससे आगे उसी चीज में रखें जो चीज उसके लिए मतलब समथिंग दैट दे आर गुड एट, सो उनके लिए ना ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी.
इमेजिन, एक तो एकेडमिक प्रेशर, ऊपर से आप यू आर नॉट एन अमेजिंग स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो फिर तो और सिचुएशन वर्स हो जाती है. तो यू नो, मुझे सिर्फ लगता है कि वो वाले फैक्टर्स हैं दैट पेरेंट्स नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन, और उसमें टीचर्स बहुत इंटेग्रल रोल प्ले करती है. मतलब जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, वो करते हैं, तो पेरेंट्स पूछे भाई टीचर्स से कि आपको क्या लगता है मेरे बच्चे की पोटेंशियल किस चीज में ज्यादा अच्छी है, यू नो. और ये जो है वो ये टीचर्स बहुत अच्छी तरह से बच्चों को, पेरेंट्स को भी गाइड कर सकती हैं. और फिर यू नो दे शुड ट्राई टू सी कि बच्चे की पोटेंशियल के हिसाब से व्हाट आर गुड प्लेसेस फॉर द चाइल्ड टू गो इन. ये सब चीजें करेंगे ना, तो बच्चे के ऊपर से थोड़ा जो एकेडमिक प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा. के और फिर यार, अब तो मैं कहती हूँ आई थिंक अल्लाह करे हम थोड़ा और वर्ल्ड इवॉल्व करेगी ना, तो हम थोड़े बेहतर हो गए ग्रेड्स के एस्पेक्ट में. पहले तो होता ना सिर्फ ए ग्रेड, सिर्फ ए ग्रेड. थोड़े मैं कहती हूँ ना, मैं पढ़ाती हूँ कैम्ब्रिज में, तो हम टेलिंग हूँ थोड़े हम बेहतर हुए हैं कि हम कहते हैं अगर वो बी सी डी भी ग्रेड होते हैं, आई होप दुनिया और थोड़ी प्रोग्रेस करे, तो वी विल फिगर आउट के ग्रेड्स डू नॉट डिफाइन देम. यू नो, कुछ बच्चे देयर कैपेसिटी, यस देयर कैपेबिलिटी, बिल्कुल सना. मैंने अपनी लाइफ में जैसे यू सेड कि मैथ्स सबको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैथ्स वही है जो एक वीक स्टूडेंट को भी पढ़ना है, जो एक जो मैथ्स में बहुत स्मार्ट है उसको भी वही चीज पढ़ना है. बिल्कुल. तो उसमें आई थिंक ये तो फिर या तो स्कूल की तरफ से चीज हो सकती है, या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह की कोई चीज इस तरह से होना चाहिए. बिकॉज अभी जैसे आयत को अभी जो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें इसका आर्ट्स था या स्पोर्ट्स था, तो शी इज नॉट अ स्पोर्टी पर्सन एट ऑल, सो शी चोज आर्ट्स. तो वो उसमें शी इज हैप्पी, लेकिन देयर थिंग्स लाइक शी डजंट लाइक मैथ्स दैट मच, शी इज इनटू इंग्लिश साइंस आर्ट्स एंड, लेकिन मैथ्स उसको वही करना है जो है, उसमें ऑप्शन नहीं है. तो ये फिर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से भी थोड़ी सी इस चीज को देखना चाहिए. एंड आई एम ग्लैड टू हेयर दैट कि अब बी सी ग्रेड्स को भी वो कंसिडर कर रहे हैं कि ये भी ग्रेड्स होते हैं. आप तो बहुत मेजर यूनिवर्सिटीज भी सना कर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, कहते हैं ना हर कोई इंटरनेशनली वो ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, हम थोड़ा पीछे लेट बैक फॉलो ऑन करते हैं. लेकिन अब तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भाई उनके क्राइटेरिया जहाँ ए ग्रेड होते थे, कोविड ने ना कुछ तो बहुत सारी चीजों में दिमाग ठीक किए हैं सबके, तो जहाँ ए ग्रेड क्राइटेरिया थे वहां हम नीचे थोड़ा आ गए हैं कि अच्छा बी भी एक्सेप्टेबल है, सी भी हो सकता है. मतलब यू नो नाउ इट्स अ कॉम्बिनेशन. अब मैं कहती हूँ ना कि आप बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो ये नहीं देखती आपका ग्रेड क्या है, वो क्यों देखती है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड आता भी नहीं है. मतलब यू नो व्हाट आई मीन, तो एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है. दिस इज अ गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम श्योर लोगों को भी सुन के जो सुन रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा. अच्छा, मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो बच्चे इस प्रेशर से, जब ये एकेडमिक प्रेशर भी साथ में चल रहा है और परफॉर्मेंस भी देनी है और फिर साथ में वो हार्मोनल चेंजेस के साथ भी गुजर रहे हैं, तो हैव यू एवर डेल्ट विद एनी केस कोई ऐसा जिसमें सब्सटेंस अब्यूज बीच में आ जाए और वो सब उस चीज का सहारा लेना शुरू कर दें, जैसे कोई यू नो ड्रग्स हैं या इस तरह की चीजें हैं या इधर उधर की एक्स वाई इजी चीजों के बीच में वो चले जाएं, और ऐसे टाइम पे आपके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे जंपिंग उनकी हो रही होती है कि बच्चे, मतलब ये बहुत कॉमन है, मतलब हम इसकी इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन बच्चे इस रिलेशनशिप्स के अंदर भी दे वांट टू गेट इन्वॉल्व, और फिर उनको वो वाला प्रेशर भी होता है इस तरह की चीजों को वो बहुत ज्यादा उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है आप पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर रहे होते, ऐसी चीजें हैं जब ये दो तरह की जो दो मेन चीजें ही ऐसी, हम तो वो भी नहीं डिस्कस करते ना कि पेरेंट्स तो हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर और बच्चे बेचारे को उस चीज से गो थ्रू करना पड़ रहा है एकेडमिक, तो ये तो लेट अलोन आप ये वाली बात कर सकें. तो जब इस तरह की कोई चीज आती है या इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं या इस तरफ बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो कैसे हैंडल किया जा सकता है या उसको कैसे डील करें. सना, नीचे कोई कह रहा है, मैं आपके बात बिल्कुल आई विल कंटिन्यू. मैं नीचे जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका एक जवाब दे दूं कि उन्होंने लिखा कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए. मुझे सीरियसली लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो है ना मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग्स में बहुत डेफिसिट है.
बहुत ठीक ज्यादा है, मतलब मुझे है। लगता है कि बच्चे, हाँ मतलब हर कोई ही लॉस्ट है। अब आप सब्सटेंस अब्यूज की बात कर रही है, सब्सटेंस यूज तो मुझे लगता है अब इतना कॉमन हो गया है, लेकिन हमारे पास बस रिसोर्सेस ही नहीं है कि हम टीचर लेवल पे है, पेरेंट लेवल पे है, एक्सेट्रा। इसीलिए मतलब इन्होंने ये लिखा तो मुझे याद आया, मैंने कहा इसीलिए पता है मेरा सबसे लॉन्ग, वेरी सिंस वेरी लॉन्ग अगो आई हैव हैड दिस प्लान कि मैं जो हूँ वो वर्कशॉप्स ऑफर करूँ, ठीक है। और वो वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स हुई, ये दीज मतलब वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग फॉर कॉमन पीपल, कि भाई फॉर पेरेंट्स के बच्चों के साथ कैसे डील करना है, फॉर यू शुड टीचर्स के कवर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल हमारी सोसाइटी में इतना लैक करता है, हम सिर्फ उन ट्रेडिशंस के बीच में चल के उनके अंदर हम इतने टैंगल्ड हैं कि हम उसी तरह से अपने बिल्कुल। बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने जो कुछ चीजें हमारे ऊपर की थी, मैं वो अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि जो कुछ सर्टेन एब्सोल्युटली थिंग्स मैंने एक्सपीरियंस की है, आई डू नॉट वॉन्ट टू अप्लाई दोज थिंग्स ऑन माई चिल्ड्रन। मैं बिल्कुल उसको थोड़ा सा डिफरेंट लेके बिल्कुल चलूंगी, विद टाइम विद थिंग, उस तरह से चलना पड़ता है। लेकिन एब्सोल्युटली। हम बहुत सारी तो चीजों मैं में पीछे हैं, लेट बैक हैं, यू आर राइट। और ये टीचर्स की ट्रेनिंग एंड यू शुड, आई थिंक ये वर्कशॉप्स का ये जो आप आइडिया दे रही नो नो हैं। अब मैंने एक्चुअली ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स प्लान कर ली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मे बी इन अक्टूबर, मतलब हर सैटरडे टाइप हम मैंने मतलब आई एम ऑन अ प्लान। मैं जैसी वो रेडी हो जाएगा मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी ताकि आप सबको बता सकें कि जो है वो, क्योंकि अब जरूरत पड़ गई। मतलब मैं कहती हूँ सना ऑनेस्टली, देखिए मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है, मतलब मैं कहती हूँ आप भी शायद उन लोगों में से हैं जो शुरू से एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट की तरह आप रही हैं, मतलब यू बिल्कुल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। मैं कहती हूँ ना आज के बचपन से मैं आपको देख रही हूँ, और मैं बहुत तारीफ भी करती थी, मैं कहती थी सना का जो पेशेंस है, मुझे याद है अगर आपको याद हो कि एक दफा हम बैठे हुए थे और आयत ने आपको फोन उठा के नीचे फेंका था, और मतलब जितना टैक्टफुली आपने उस पूरी चीज को हैंडल किया था कि आपने ना चीखा ना चिल्लाया, जबकि फोन सबके बहुत प्रेशियस होते हैं, मतलब आपने सिर्फ आए तो कहा कि भाई ये चीज गलत है और उठो, ये वापस उठाओ और इसको अपनी जगह पे रखो। मैं तो हमेशा से कहती हूँ मतलब आई एक्चुअली लुक्ड अप टू यू एज अ पेरेंट, के यार पेरेंटिंग का ना एक पर्टिकुलर स्टाइल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ एट द सेम टाइम आप फिर भी मतलब यू प्रॉब्ली मस्ट बी द बेस्ट पेरेंट, बट नाउ अगर आप आयत आई एम को ट्राइंग देखें टू तो, बट हाँ बट आई एम जस्ट सेइंग यू यू इफ यू लुक एट आयत यू विल स्टिल फील कि नहीं यार मतलब यार ये मतलब मैं कहती हूँ ना आई थॉट मैं बहुत अच्छी पेरेंट थी, पर जैसे जैसे मनाल ग्रो कर रही है बड़ी हो रही है, अब मैं कुछ चीजें ना उसके अंदर देखती हूँ। मैंने उस दिन आपसे कहा कि भाई मतलब टेंट्रम्स हैं, जिद है, तो आई ऑल्सो वंडर कि यार ये मेरी पेरेंटिंग का पार्ट तो नहीं था, तो ये कहाँ से आया, इसके पास कोई ऐसा रोल मॉडल भी नहीं है तो ये कहाँ से आया। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट वेन यू से दीज हॉर्मोनल चेंजेस, यू आर एब्सोल्युटली इट्स द करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर इट। ये जो बिल्कुल अडोलेसेंस से जा रहे होते हैं टीनेज में, तो हम बात करें यस और अब आपने बिल्कुल वी वर डिस्कसिंग एंड एब्सोल्युटली करा है कि अब हम पहले ना अडोलेसेंस की एज कहते थे भाई 10, 11, 12, अब नो मैं इट्स कहती अब हूँ कि वाकई में हर चीज गॉन इतनी बाय स्पीड में हो रही है यस कि मे बी अब 7 year old एंड 8 year old हैज बिकम एन अडोलेसेंट, कि वो दे आर रेडी टू बी अ टीनेजर। तो या जो टीनेजर के टेंटर्स होते हैं ये आप कभी एक 7 साल की बच्ची में भी देख लेते हैं, कभी एक 8 साल के में भी देख लेते हैं, कभी नहीं भी देखते 12, 13 साल तक। तो यस हॉर्मोनल चेंजेस, यस एब्सोल्युटली वन रीजन। दूसरा के क्योंकि यस है ना सैडली ये दीज आर प्रॉब्ली द ओनली ह्यूमंस जिनके अंदर इतनी चेंजेस होती हैं, और इतना यू आर राइट इतने हॉर्मोन्स होते हैं, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू अबाउट इट, क्योंकि अभी तक इंडिपेंडेंस आई नहीं है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आई नहीं है, तो अब क्या होता है और फिर एक्सपोजर हो गया है कुछ चीजों से जिनकी अभी समझ ही नहीं है कि वो सही है कि गलत है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स। अब बिल्कुल मतलब और फिर होते भी इस एज में ना एक क्यूरियोसिटी भी होती है और एक एक्सपेरिमेंटल नेचर भी होती है कि हर चीज मुझे ट्राई करनी है लाइफ में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितना अब आपके और मेरी एज में आके हम बहुत सारी चीजें ट्राई करना ही नहीं चाहते, मतलब समहाउ वी जस्ट नॉट एक्सपेरिमेंटल ना। हाँ हम बाहर हम रेस्टोरेंट भी निकलेंगे सना तो हम कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे जो हम जहां हमें पता होगा अच्छा है, हम एक हाँ नया रेस्टोरेंट ट्राई नहीं करना चाहते बिकॉज हम हाँ कहते हैं यार हम निकले हैं पैसे वेस्ट करेंगे, एक नया रेस्टोरेंट खाएंगे खाना भी अच्छा नहीं होगा। यंगर एज में तो आप होते ही एक्सपेरिमेंटल है हाँ कि एडवेंचर एज ये होती है ना, वो मूड ऑन हुआ हुआ होता है एडवेंचर करने का, हर चीज को ट्राई करना एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो क्या। उसकी वजह से और फिर ड्रग्स में सैडली हमारे पास हमारे साथ हुआ ये है कि एक्सपोजर मिल गया है बच्चों को एट अ वेरी यंग अर्ली एज, मतलब और उसमें मैं बताऊं मतलब कुछ लोग मेरी शायद बातों को पसंद ना करें, बट मैं आपको मतलब मैं देखे मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए कि जो चीज है वो फैक्ट स्टेट करूं। आई जस्ट फील कि इसका एक जो बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना सना इज ऑल्सो द फैक्ट के बच्चों के पास अब पेरेंट्स मतलब आप अगर आप और मैं याद रखे करें तो हमारी पॉकेट मनी कितनी होती थी, मतलब बैरली इतनी होती होगी शायद कि हम कॉलेज स्कूल में लंच खरीद लें, मुश्किल फोन से हमारे पास थे नहीं,
हाँ नो मतलब यस, कुछ ना कुछ मुश्किल हमारे से पास आई सेल है। रिमेम्बर आई यूज्ड टू ओनली बाय दिस बन कबाब एंड अ बॉटल ऑफ एब्सोल्युटली सोडा, दैट्स ऑल। और हाँ समटाइम्स अगर मुझे पार्टी करनी होती थी तो मैं या तो मैं कुछ और ले लूंगी कि नेक्स्ट डे आई हैव टू यू नो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो एक एक्स्ट्रा चीज हम ऐड कर लें, तो उसके लिए पैसे बचाते थे एक दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली और अब आप क्या देखते हैं कि भाई बच्चों के पास लिटरली देर सो मच मनी दैट दे हैव। तो यार अगर आप किसी को पैसे दे देंगे, मतलब वो चाहे पॉकेट मनी है चाहे वो पेरेंट्स का प्यार है, हमें लगता है चीजें अब ज्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन मतलब महंगी भी एक हद तक हुई है ना। मतलब मैं सीरियसली देखती हूँ कि मैं खुद पढ़ाती हूँ ना 11 स्टूडेंट्स को, आई सीरियसली टेल यू सर द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैरी, मतलब आई वंडर कि इनके पास ये पैसे क्यों है। बिकॉज देखिए जहां जहां पैसों से मैकडोनल्ड्स आता है वहां पैसों से ड्रग्स भी आती हैं, जस्ट बिल्कुल सेम। ठीक है, बिल्कुल एंड अगर उनके पास ये पैसे हैं तो मतलब आप और वो उन पैसों की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि भाई आप उनसे पूछें कि तुमने पैसे कहाँ खर्च किए कहाँ खर्च कहाँ किए। नहीं किए। तो उसकी वजह से मुझे सिर्फ लगता है कि अब एक तो एक्सपोजर है, मिलती अवेलेबिलिटी है, और फिर दे हैव द रिसोर्सेज टू गेट इट, यू नो व्हाट आई मीन। तो इफ और फिर मुझे लगता है कि अब अब इतना प्राइवेट कल्चर भी हो गया है। सना यू वुड ऑल्सो अग्री विद मी कि मैं कितनी पता नहीं कितनी जगह हमने डिस्कशन किया है कि यार हमारे जमानों में सना हमारे कमरों के दरवाजे घर में बंद नहीं होते थे, लॉक यू ऑल्सो नो। करना दूर की बात है। बिल्कुल बंद बंद भी नहीं होते थे, मैं वही तो कह रही हूँ, दरवाजा खुला हुआ होता था, हम वहीं बैठे हुए होते थे बेड पे, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। अब ये जो क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, क्योंकि बच्चा कहता है मेरी अपनी प्राइवेसी है, ये जो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है ये इतना डिबेटेबल है। तो जहां ये बिल्कुल मतलब अब मैं ये कितनी डिबेट करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और मुझे एक दफा मेरे स्टूडेंट ने पूछा, एक स्टूडेंट ने, आई होप शी इज वॉचिंग तो याद आएगा उसको, एक दिनों से मुझसे पूछा कि मिस अगर कभी आपको मनाल की डायरी मिले जो वो लिखती हो तो क्या आप वो डायरी पढ़ेंगी। अच्छा मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम कौन सा वाला आंसर चाह रही हो, वो जो तुम सुनना चाहती हो या वो जो मैं एक्चुअली करूंगी। शी वाज लाइक नहीं जो आप एक्चुअली करेंगी। तो मैंने कहा ऑफकोर्स मैं उसकी डायरी पढ़ूंगी। एंड जैसे ही मैंने ये कहा सना, शी वेंट लाइक मिस आप उसकी डायरी पढ़ेंगी। मैंने कहा तो ओह माय मतलब गॉड, व्हाई नॉट, शी लाइक दैट्स इट्स अ प्राइवेट स्पेस शी सेड। तो मैंने कहा बिल्कुल होगी प्राइवेट स्पेस। मैंने कहा देखो मैं डायरी पढ़ूंगी लेकिन मैं उस डायरी पर उसको डांटूंगी नहीं, लेकिन अगर उस डायरी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ठीक है जिसको मैं रिजोल्व कर सकती हूँ उसके बिल्कुल लिए, और शायद वो मुझसे कह नहीं पा रही इसलिए वो डायरी में लिख रही है, तो भाई वो प्रॉब्लम जरूर रिजोल्व कर दूंगी। मतलब आई एम जस्ट सेइंग मैं ये नहीं करूंगी कि डायरी बैठा के उसको साथ में बैठाऊंगी, बताओ ये जो ये हमारे पेरेंट्स करते थे, बताओ ये लव तुमने क्यों लिखा, तुमने इस क्रश के बारे में क्यों लिखा। मैंने कब ये नहीं एग्जैक्टली करूंगी, बिल्कुल, बट इसलिए एट द सेम मैं बिल्कुल यू आर राइट। और मैंने इससे अभी एक मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। शी इज गोइंग टू बी 12 इन दिसंबर एंड या शी हैज बिकम अ प्राइवेट पर्सन नाउ। उसका इंस्टाग्राम उससे डिलीट हो गया था जिसमें कोई ऑलमोस्ट और नियरली 75K फॉलोअर्स थे। अभी मैं मोना से भी वाओ बात करी थी, फिर मैंने दोबारा बनाया, उसके फॉलोअर्स आए तो शी वाज लाइक नो मामा आई वांट टू कीप इट प्राइवेट। तो मैंने कहा ठीक है, आई रिस्पेक्ट हर चॉइस, ठीक है बिल्कुल हाँ सही है। मुझे पता है वो इस वक्त हार्मोनल चेंजेस के साथ भी गुजर रही है, बहुत कुछ है। मुझे उससे बहुत पेशेंस और बहुत प्यार के साथ रहना डील होता है, करना मुझे है हर चीज पूछनी होती है बिल्कुल दिन में वो क्या कर रही है किससे। एंड टू माय सरप्राइज शी शेयर्स एवरीथिंग। मतलब मैं अपनी माँ से अपने बाप से वो चीजें शेयर नहीं नहीं करूंगी कर कभी सकती भी। जी। बट अभी जैसे इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल, शी हैज इंस्टाग्राम अकाउंट, इट्स प्राइवेट। तो उसके अंदर उसके स्कूल के कुछ ग्रुप्स, एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें कुछ बॉयज भी थे, और एक बॉय जो ठीक है था वो बहुत फजूल की गालियां फजूल में लिख रहा था, खाम खाम में। तो हाँ मैंने हाँ आई हाँ गो थ्रू अवर इंस्टाग्राम बिकॉज वो मेरे फोन पे भी है इसका इंस्टाग्राम, इस आयत के पास भी है, मेरे फोन में भी आयत का इंस्टाग्राम ओपन है। तो आई कैन गो बिल्कुल थ्रू हर मैसेजेस, हर थिंग्स एनी टाइम आई वॉन्ट। सो वन डे आई हाँ वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द मैसेजेस एंड आई सॉ दैट। तो मैंने, और आयत ने उसको नीचे लिखा हुआ था, वॉट इज रॉन्ग विद यू, यू नो वाई आर यू राइटिंग दीज काइंड हाँ ऑफ वर्ड्स। तो आयत का सिर्फ हाँ ये था लास्ट मैसेज वेयर शी वाज लाइक कंडेमिंग दैट थिंग। हाँ तो मैंने हाँ आयत को नहीं हाँ डांटा उसके ऊपर, बस मैंने उसको ये कहा कि बेटा ये चीज हो रही थी, आपको मुझे बतानी चाहिए थी। बताना बट चाहिए था मेन थिंग बिल्कुल इज जो मैं एज अ पेरेंट कर रही हूँ कि मैंने जब उस बच्चे की अम्मा को प्राइवेटली मैसेज करके ये दिखाया कि आपका बेटा इस तरह से कर रहा है, और आयत ने अपने आप को उस ग्रुप से निकाल लिया क्योंकि हाँ वो खुद वो ऑकवर्ड फील कर रही थी, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो उस बिल्कुल बच्चे की जो माँ का रिएक्शन था, जो कि मैं समझती हूँ आई डोंट नो कि पेरेंट्स का होना चाहिए, वो उसका रिएक्शन ये था कि पहले उसकी माँ ने मुझसे बदतमीजी की, फिर उसने अच्छा जब कंफर्म हुआ कि उसी का बेटा है तो वो शी हाँ वॉज
स्क्रीमिंग ऑन द फोन हिस्टेरिकली, वाओ लाइक मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको ये कर दूंगी. मैंने तो ऑलरेडी इसका इंस्टाग्राम ब्लॉक किया था, मैंने तो इसका लैपटॉप भी छुपा लिया, मैंने तो ये भी कर लिया, पता नहीं इसने अपने दोस्त के घर जाके नया बना लिया. तो उफ, मैंने सोचा ओ माई गॉड, मतलब उस बच्चे का प्रॉब्लम रखो साइड पे, पहले तो इसके हाँ अम्मा का हाँ प्रॉब्लम है कि ये तो हाँ अम्मा हाँ ही जिस तरह से हैंडल करिए, वो बच्चा तो डरेगा, वो बच्चा कुछ शेयर नहीं बिल्कुल, करेगा, वो हर उल्टा काम करेगा. एब्सोल्युटली और मतलब इस एब्सोल्युटली तरह से अगर पेरेंट्स कर रहे हैं, और मैं तो वहीं पे ना आई वेंट क्वाइट एंड आई वाज लाइक डूड यू नीड हेल्प. हाँ, पहले हम अपने हाँ, आप को हेल्प करें। आप अपने नहीं आप को नहीं हेल्प करें, बिल्कुल बच्चा नो वंडर बच्चा ये काम कर रहा है. एग्जैक्टली। नहीं तो नहीं वही होता है ऐसा ना, मुझे लगता है अब सब वाकई में जो हम कहते हैं ना भाई, अब जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, अथॉरिटेटिव अप्रोच है कि बच्चों को बस आप, हम वो वाले बच्चे अलग थे, हमारे माँ बाप हमें कहीं लेके जाके कहते थे चुप करके कोने पे बैठे, सोफे पे बैठे रहना, तो हम चुप करके सोफे पे बैठे रहते थे, ना पानी मांगते थे ना खाना खाते थे। आई एम जस्ट सेइंग अब नहीं है ऐसा, मतलब अब जमाना बदल गया है। वाइज इंसान वही होता है जो जमाने के साथ बदलता है। पेरेंटिंग बहुत बदल गई है। अगर अब आप अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बनेंगे, देखिए, और फ्रेंड बनने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप खुद भी सिगरेट जलाएं और बच्चे को भी जला के दें। हाँ आई एम जस्ट सेइंग ये भी ज्यादा हो गया। मतलब हर हाँ चीज में ना एक इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिसिप्लिन एंड नॉट। बिल्कुल मतलब मैं जिस तरह मैं क्लास भी अपनी पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं साहब इतनी फ्रेंडली है कि हमें लगता है कि हम सारी बातें आपसे कर सकते हैं, लेकिन फिर वो साइड में ये साथ में ये भी कहते हैं कि लेकिन मिस पता है आपसे डर भी लगता है। तो मैंने कहा डर क्यों लगता है? उन्होंने कहा बिकॉज हमें ये भी पता है कि हम जब तक अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ है, सो सब ठीक है, पर आपके ना, आपने एक बाउंड्री ड्रॉ की हुई है, जहां उस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक बिल्कुल होती है, अनु. एक होती है टीचर के साथ फ्रेंडलीनेस, और एक होता है कि आप बिल्कुल ही ओवर हो गए ना उस फ्रेंडलीनेस में। तो उन्होंने कहा हमें ये पता है कि जिस वक्त हम इससे बाहर निकल जाएंगे, उस वक्त हमारा दिमाग भी ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं कर भी देती हूँ, बिल्कुल यू सही नो। तो आई है. जस्ट फील कि एज पेरेंट्स दैट्स व्हाट इट इज, फ्रेंडलीनेस इतनी रखें वाकई में कि बच्चा आपसे हर चीज एक्सप्रेस कर सके। देखिए बिकॉज सना, सबसे बट एट द पहले सेम टाइम सबसे यू आर पेरेंट एज वेल, यू नो आप यस, पेरेंट्स बट भी एट द हैं. और सेम टाइम यू आर ऑल्सो अ पेरेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की अच्छी बुरी दोनों चीजों को आप एक्सेप्ट करें। बच्चा अगर गलत है, अगर बुरा है, तो यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर आपकी रैपो बिल्ड हुई होगी ना बच्चे से, तो आप जब कहेंगे कि इट इज रॉन्ग, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। अगर आपकी वो रैपो ही नहीं है, या आप वो वाले पेरेंट हैं जो मतलब छोटी छोटी बातों पे ब्लो अप कर जाते हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब जब आप ब्लो अप करते हैं ना, तो बच्चे के साथ आपकी अच्छी रैपो ही नहीं होती। अब बिल्कुल आप उसे नहीं, अच्छी बात भी समझाना चाहेंगे ना, बच्चे ने आपकी बात नहीं सुननी, क्योंकि आपकी रैपो ही नहीं है। बिल्कुल नहीं. बच्चा डरेगा उस चीज को लेके, हर चीज बच्चे छुपाते हैं. एंड बिल्कुल या बिल्कुल, मतलब वही चीज रखनी पड़ती है कि आप फ्रेंड फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड रहें, बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ पेरेंट आल्सो. तो पेरेंट का काम एब्सोल्युटली होता है यही कि बच्चों को वो गलत, अगर आयत ने फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत किया है, बच्ची है वो, उसे भी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो आई सिट विद एब्सोल्युटली हर हाँ एंड आई डू अ डिस्कशन कि ये चीजें हुई हैं और इससे अगर गलत गलत ये पॉसिबिलिटीज हैं होने की. वेरी तो फिर गुड आप मुझे या बताओ कि आप कहाँ स्टैंड करती हो. इफ यू वॉन्ट टेल मी एंड समथिंग हैपन्स एट स्कूल, और चीजें, और स्कूल मुझे बताया गया एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो हाउ वुड आई टेक इट, तो मैं उसको कैसे एब्सोल्युटली लूंगी. आप मुझे चीजें बताओगी तो मे बी आई कैन हेल्प यू, आई कैन. तो वो सारी चीजें, मैं उसके फ्रेंड्स के बारे में चीजें, हर फ्रेंड्स कम ओवर वो जाती है, तो दैट इज द थिंग कि उसको जब वो कह रही है ये चीजें हो रही हैं आई हैव टू सी. लेकिन बच्चों के साथ डिस्कशन, उनके साथ बैठना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, इट इज वेरी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट, बहुत अब के टाइम जरूरी में है, बहुत जरूरी है बहुत सना, क्योंकि ज्यादा. जमाना वाकई में बहुत खराब है, ये बात सच है। मतलब आप बच्चे को वो रूम नहीं देंगे, तो हजार चीजों से उसका एक्सपोजर होगा और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, यू नो। और कुछ चीजें मतलब हमें एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि भाई हम बताएं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और पता है बच्चे, आई जस्ट फील सर, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम ही से सीखते हैं। तो जिस तरह आपने नरेट किया, मैं आपको सुनाती हूँ, जिस तरह उस दिन मैं आपके घर से आई ना, तो हम बुलिंग की बात कर रहे थे, ड्यू रिमेम्बर। तो जो है वो मनाल ने आके मुझे कहा, अच्छा मैं और वो नवी दोनों बैठे हुए, उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा कि वो जो है ना, वो एक बच्ची मुझे भी बुली करती है क्लास में।
अच्छा तो मैंने कहा कि क्या बुली करती है, तो उसने मुझे स्टूपिड बुलाया था, दो तीन चीजें उसने और कही और फिर उसने मतलब और भी चीजें कही। अच्छा पता है बच्चे भी यू नो यू ऑल्सो नो कि कुछ एग्जैजरेट भी कर लेते हैं, कुछ चीजें कह भी देते हैं, डोंट मीन इट एक्सेट्रा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं मेरा सेक्शन चेंज करा दे। मैंने कहा देखो तुम्हारा सेक्शन तो मैं चेंज नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैंने कहा वी टॉक अबाउट इट, ओके। सो नवीद ने उसको सिखाया कि भाई आइंदा वो ये कहे तो तुम ये कहना आगे से, उससे कहना कि ऐसी बात मत करो। मैंने कहा भाई जो भी टीचर इमिजिएटली तुम्हारे एनवायरमेंट में होती है उसको जाके उसी वक्त कंप्लेन किया करो कि भाई इस बच्ची ने मुझे ये कहा, बिकॉज देखिए क्लास का डेकोरम टीचर का काम है, यू नो। सो बिल्कुल आई जस्ट टोल्ड हर दैट। फिर मैंने रात में दोबारा उससे पूछा, मैंने कहा मनाल मैं सच्ची बताओ उसने क्या क्या तुम्हें एक्चुअली कहा था, बिकॉज फिर उसने एक दो वर्ड्स उसमें से मिस किया। अच्छा उसने ये कहा था, हुआ ये था गलती से उसको धक्का लग गया था तो वो मुड़ी, फिर उसे गुस्सा आया, उसने ये सब कह दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी ना तो आप उसकी मम्मा ने शिकायत करे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, जब मैं उसको पिक करने आऊंगी ना तो मुझे बताना वो बच्ची कौन है। तो मैं गई उसको पिक करने के लिए नेक्स्ट डे। मैंने कहा अच्छा बताओ बच्ची कौन है, उसे इधर उधर देखा उसे, फिर बताओ अच्छा वहां होगी। मैं गई वहां तो वो मिल गई, ठीक है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा मनाल तुम्हारी फ्रेंड है? तो उसने कहा नहीं, शी सेड नो शी इज नॉट माय फ्रेंड। तो मैंने कहा पर तुम दोनों तो सेम क्लास में हो। तो कहती है नहीं वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमने उस दिन उसको स्टूपिड बुलाया था? तो अच्छा नाउ शी लुक्स एट मी, शी इज लाइक नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। मैंने कहा आर यू श्योर? तो देन शी लुक्स एट मी, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने कहा सो मे बी यू डिड? तो शी इज लाइक नो बट आई डोंट रिमेम्बर। सो देन आई सेड लिसन, मैंने कहा यू नो स्टूपिड इज नॉट अ गुड वर्ड एंड यू शुड नॉट बी सेइंग इट। मैंने कहा सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, एंड मैंने कहा तुम दोनों सेम क्लास में हो तो यू शुड बी फ्रेंड्स, यू नो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर। तो अच्छा देन शी गॉट साइलेंट, शी वॉज लाइक ओके, मनाल ने भी कहा ओके आई विल ट्राई टू बी हर फ्रेंड। आई एम जस्ट सेइंग मैं भी जाके उसकी अम्मा का नंबर निकाल के स्कूल में कंप्लेन करके करने को मैं बहुत कुछ कर सकती थी। आई एम जस्ट सेइंग मुझे सिर्फ लगा कि यार दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड किड्स कि भाई अपना डिफेंस खुद भी करना पड़ता है। पता है मुझे ये भी लगता है कि हम अपने बच्चों को इतना शेल्टर करते हैं हम कि आप कभी कभी ना बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि मतलब दे जस्ट फील कि हर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उनके लिए। मतलब सम प्रॉब्लम्स दे हैव टू रिजॉल्व ऑन देयर ओन, इनको और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्चुअली सीखेंगे हम ही से। जितना हमें ऑब्जर्व करेंगे उतना लाइकली दे आर टू लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बिल्कुल नहीं, ये चीज तो है हमारी हमारे अंदर भी कि हमने पैसा भी बहुत दे दिया बच्चों को, उनको फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है हर चीज का, और फिर उसके बाद उनको शेल करके भी रखते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पूरा खानदान लेके उसके घर पहुंच जाते हैं अगले को, या नंबर निकाल के एक हरेसमेंट शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीज। वी फाइट द बैटल्स फॉर देम बट हाउ विल दे लर्न यार। बिल्कुल, तो ड्यूरिंग आयत का जो टाइम था अब तक का, मैं कभी कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम हुई किसी टीचर से भी तो आई टेल हर लाइक, मैं उसको उसकी बुक से रिलेटेड अगर कोई टीचर होता है बीच में कैरेक्टर तो मैं उससे उसको एग्जांपल देती हूँ। हैरी पॉटर में था जैसे कि यू नो दिस टीचर वाज लाइक दिस, तो मैंने कहा उस टीचर का काम ही यही है, क्योंकि अगर वैसे नहीं होगी तो बच्चे उनसे डरेंगे नहीं। मतलब उनका काम ही है कि बच्चों को एक उसके अंदर रखना, एक डिसिप्लिन के अंदर रखना। एब्सोल्युटली इस तरह से है, शी हैज नथिंग पर्सनल विद यू, नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उससे वो समझ भी जाती थी, इट वाज आई थिंक गुड थिंग कि वो समझ जाती थी। पर आपको एग्जांपल देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि वो टीचर भी ऐसी था कि सब बच्चे, कोई बच्चा नॉटी नहीं हो, कोई ऐसी हरकत नहीं करे, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें होती है। मैं कभी उसके लिए स्कूल नहीं गई कुछ, कभी भी उसको कोई मसला है आई नेवर, मैंने खुद सॉल्व करो, आप खुद देखो जो चीजें हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक खुद सॉल्व करो। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वहां तक आपको खुद करना चाहिए। कोई बहुत आगे बात चली जाए तो वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी देन। और पता है सना लास्ट चीज जो मैं, जितने लोग हैं एंड इफ दे आर पेरेंट्स आई एम टेलिंग यू, मैं आज भी देख रही थी इट्स, मतलब उसकी मैं पूरी थ्योरी समझा सकती हूँ सबको, बट इट्स अ गिवन फैक्ट, ये जो बेड टाइम होता है ना ये आपका और आपके बच्चे की रिलेशनशिप का सबसे इंटेग्रल टाइम होता है। आई एग्री, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट पुटिंग देम टू बेड, इट्स अबाउट द कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव एट बेड टाइम, ठीक है। कि आप जब बच्चे को रेडी कर रहे होते हैं फिर बच्चा फौरन लेटते सो भी तो नहीं जाता ना, आप उसके साथ लेटते हैं। मतलब मैंने अपनी मनाल की जितनी अपब्रिंगिंग की है ना, नर्चरिंग, जो सही वाली चीजें सिखानी होती नहीं सिखानी होती, वो सारी बेड टाइम पे की है। अब नाउ विद अ न्यू बेबी, मतलब दैट्स व्हाट आई मिस मोस्ट एंड आई थिंक शी ऑल्सो मिसेज इट, कि अब वो बेड, अब वो क्वालिटी टाइम हम नहीं गुजार पाते, वो मे बी सून अगेन, यू नो। बट मैं सब पेरेंट्स को मैं कहूंगी कि भाई सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चे से पूछें आज दिन भर क्या किया, हाउ वॉज योर डे, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी चीज में कोई हेल्प चाहिए, मतलब जस्ट जस्ट टॉक टू द चाइल्ड, लेट देम टॉक। के बाद ही नींद में भी होते हैं, फिल्टर वैसे ही बंद हुआ हुआ होता है। हाँ,
यू नो जब आप जाग रहे होते हैं ना तो आप कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें नहीं करते, जब वो नींद में होते हैं तो वैसे हम कहते हैं ना हाँ अनकॉन्शियस माइंड का पोर्टल ओपन है. अब आप जो बातें करेंगे ना वो बच्चे के जहन में जाके बैठती जाएंगी. इट्स द बेस्ट बिल्कुल टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. आई जस्ट सीन कि अगर आप बच्चे को 9 बजे सुलाते हैं तो 8 बजे से 8:30 से 9 आपका टाइम होना चाहिए लाइंग ऑन द बेड टॉकिंग टाइम. आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वॉट एवर यू कैन पुल ऑफ. मतलब यू नो लिटरली बच्चे के साथ लेटे हैं, गिव देम ऑल द कडल्स, गिव देम ऑल द हग्स, टेल देम दैट यू लव देम, बट ऑल्सो आस्क देम इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन डू फॉर देम. यस और यू बिल्कुल नो के आई वो थिंक दिस फिर इज द थिंग, दिस इज द कंक्लूजन, या ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है. अगर हम इसको अपनी लाइफ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें डेली बेसिस पे. मेरा आयु के बिल्कुल साथ यही था. मैंने उसको जो कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आपने रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप की, मैंने उसको नैप टाइम पे और रात के बेड टाइम पे, दैट वॉज द मोस्ट आई थिंक वो पर्सनल टाइम, एक क्वालिटी टाइम होता है जिसके अंदर यूज टू रीड फॉर हर एंड शी यूज टू लव इट वो इतना ज्यादा. देन शी स्टार्टेड रीडिंग हर सेल्फ वेरी सून. बिल्कुल और अभी फरमान के साथ भी बिल्कुल मैं यही कर रही हूँ. उसके साथ मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है लेकिन उसके साथ हाँ मैं कर रही हूँ. लेकिन बेड टाइम में हाँ यही होता है, बातें होती हैं, चीजें होती हैं, क्या बिल्कुल किया, बिल्कुल आयत भी होती है, वो भी अपनी चीजें बता रही होती है. एंड यस यू आर राइट कि वो उस टाइम पे ना अनफिल्टर्ड चीजें होती हैं, जो कुछ हाँ जहन में आ रहा होता है सब आप बोल रहे होते हैं. और मुझे बिल्कुल रात के बिल्कुल अक्सर टाइम उस टाइम पे आयत वो चीजें बताती है जो मुझे दिन में नहीं बताती. एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसीलिए That's true, yeah. नहीं. और फिर टाइमली बेड टाइम आपको पता है बच्चों के मूड और हार्मोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि Oh, सही yes. टाइम पे सुलाना जल्दी. क्योंकि हाँ. जब आप सोचते हैं ना जब लेट भी हो जाता है सना, तो हम भी तो देखे ना कितने बुरे मूड में बच्चे को सुला रहे होते हैं कि लेट हो गया है, लेट हो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, यू नो. एंड आई जस्ट से यही काम अगर आप पीसफुली कर लें, मतलब हाँ यू नो कि आप बिल्कुल. एंजॉय भी करें, बच्चा बच्चा भी एंजॉय करे, हर चीज सुबह के लिए प्रिपेयर करे फॉर स्कूल एक्सेट्रा, एंड देन यू स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड, ट्रस्ट मी यस रिलेशनशिप भी इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा. मतलब इट इज अ फेस. और फिर बहुत सारे बच्चे जब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आई नो कभी दोबारा भी सारे बात करेंगे, तो भाई जस्ट टेल योर सेल्फ इट्स अ फेस. मतलब बच्चे इतनी जल्दी फेजेस से आउटग्रो करते हैं, बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम का फेज है, कुछ सही हो जाते हैं, आदतें बिगड़ जा बढ़ जाती चेंज हो जाती हैं सब कुछ. तो जो है वो आई जस्ट फील पेरेंट्स आल्सो नीड टू टेल देमसेल्व्स दैट. बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल यू आर राइट. और यही बात वही बात है जो रात का टाइम है ना, इससे आपका रिलेशनशिप इतना इम्प्रूव होता है. यू फील पीस सोते हुए कि आपका बच्चा इज हैप्पी, या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसने शेयर किया. एटलीस्ट वो जो पीस बिल्कुल आपको वो मिलता है ना, वो आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकता. सो आई बिल्कुल एग्री. और बिल्कुल आई थिंक ये वाली जो रिलेशनशिप आपकी हो जाए आपके बच्चे के साथ, तो आप बहुत सारे जो ये टीनेजर मसले जो बच्चों के अंदर आते हैं आप उनको हैंडल कर या सकते हैं बहुत आराम के साथ, और उनको बिल्कुल गाइड कर बिल्कुल सकते हैं. और उसमें एक बेस्ट चीज ये होगी कि आप अच्छा हैंडल कर सकते हैं और बच्चे आपको अच्छे तरीके से सुनेंगे और एब्सोल्युटली समझेंगे बात को. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. या आई थिंक हमने बच्चे काफी आप इनसे पूछ सकती हैं, इज देयर एनी अदर थिंग दैट दे वांट अस टू टॉक अबाउट, तो वी कैन ऑलवेज या मीट अगेन एंड वी यस कैन डिस्कस डेफिनेटली वी मोर शुड डू टॉपिक्स. इट. डेफिनेटली हम दोबारा ये बिल्कुल करेंगे. आई थिंक हम आज की इस डिस्कशन को यही एंड करते हैं. एंड आई विल सेव दिस लाइफ. और इसके अंदर अगर आप यू वांट अस टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग एल्स, कोई और चीज, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली अलग से. एंड आई होप ये सेशन जो है आप सबके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अंडरस्टैंड किया होगा. बिल्कुल एंड थैंक यू बिल्कुल फॉर थैंक ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू. यू सना थैंक यू फॉर हैविंग मी, कवल इट फॉर हैज योर बीन अमेजिंग. टाइम. यस थैंक यू. डेफिनेटली हम ऐसे अमेजिंग सेशंस और करेंगे. थैंक डन. यू. ओके थैंक सी यू यू. एवरीवन. हैव थैंक अ यू गुड एवरीवन. स्लीप. गुड नाइट.